हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बियर। मैं किशोर चंद्रा एक बार फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में IGL के ऊपर में कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फेवरेट कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। तो दोस्तों, IGL CNG गैस में डील करती है और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात करें तो ES रंगनाथन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर रंगनाथन ने 2016 में यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को संभाला है और इससे पहले भी इनके पास में लगभग 30 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। मिस्टर रंगनाथन गेल कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। अब अगर हम कंपनी की प्रोफाइल की बात करें और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 28,680 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और कंपनी के शेयर की अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये यहाँ पे कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है। पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.72 है। PB यहाँ पे यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 5.78 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 22.45 है। अगर हम इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो 52 वीक का इसका हाई प्राइस 534.40 रुपये का है और 52 वीक के लो प्राइस की बात करें तो 284.55 रुपये इसका 52 वीक का लो प्राइस है। तो दोस्तों, ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। अब आगे वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के प्राइस हिस्ट्री के बारे में, कंपनी की रिटर्न हिस्ट्री के बारे में और Q4 में जिस तरीके से कंपनी ने नतीजे पब्लिश किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो इसके बदलाव हुए हैं June Q2020 में उस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप इन लेवल्स पर अभी बाय करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस पर एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ के डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, लिंक पर जाकर आप आसानी से अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ में अपडेट रहिए। तो फिर से वापस आ जाते हैं दोस्तों IGL के डिस्कशन पे और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की रिटर्न हिस्ट्री के बारे में कि बीते समय में कंपनी ने इन्वेस्टर को किस तरीके के रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो अगर हम December 2003 से अब तक देखें तो कंपनी लगभग 1,648.74% के रिटर्न दे चुकी है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 साल में भी ठीक ठाक रिटर्न कंपनी ने दिए हैं, 53.91% के रिटर्न दिए हैं। 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी लगभग 32.8% के रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ में भी लगभग 6.71% के रिटर्न दिए हैं और 1 वीक की भी बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर में भी 2.89% के इसने रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, आप अगर इन लेवल्स पे बाइंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाना चाहते हैं तो एनालिसिस विषय में क्या राय रखते हैं? तो यहाँ पे 33 एनालिसिस के पोल है और यहाँ पे 45 एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में अभी बाय किया जा सकता है। और जो इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं और 2 पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं। अगर हम रेड सिग्नल की बात करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो प्राइस जो अभी चल रहा है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है और कंपनी डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा ऑफर नहीं करती है। तो दोस्तों, ये तो रही एक्सपर्ट की राय और अब आप और हम खुद ही चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से सही लेवल हो सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। तो दोस्तों, आप चार्ट में देख सकते हैं स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में नजर आता है और 4 जून 2020 को इसने हाई बनाया था 520 रुपये का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई के लगभग काफ़ी करीब था। लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसके प्राइस में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो IGL ने लो बनाया था 284.55 रुपये का। यहाँ से इसमें तेजी से रिकवरी देखी गई और स्टॉक COVID-19 के पैनिक से पहले जहाँ पे था लगभग फिर वहीं पहुंच गया। तो कह सकते हैं कि इसमें शार्प रिकवरी देखने को मिली या फिर वी शेप रिकवरी इसमें देखने को मिली। अब बात आती है कि कौन से सही लेवल हो सकते हैं स्टॉक में एंट्री के लिए। तो दोस्तों, स्टॉक अभी अपने सपोर्ट जोन के बिल्कुल करीब में ट्रेड कर रहा है। 398 का जो जोन है इसका सपोर्ट का जोन है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में करेक्शन आ चुकी है, 520 के लेवल से टूटकर स्टॉक 405-410 के लेवल पे आ चुका है। विलियम परसेंटेज को भी अगर देखते हैं तो स्टॉक अभी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में नजर आता है। लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आती है, जो कि अभी आना बाकी है, तो स्टॉक में भी गिरावट आ सकती है और स्टॉक 380 के लेवल को भी छू सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो इन लेवल्स पर आप कुछ क्वांटिटी बाय की जा सकती है और 396 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अगर आप बिल्कुल सही सटीक जगह देख रहे हैं तो फिर 380-385 का जो लेवल है इसका सही जगह होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।
दोस्तों इस लेवल को आपको फॉलो करना होगा, और जैसे ही 385 के लेवल में स्टॉक मिलता है तो आप यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IGL के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों सपोर्ट की बात तो हम अभी कर चुके हैं, पहला सपोर्ट इसका 396 पर देखने को मिल रहा है, और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो दूसरा सपोर्ट इसको फिर 380 के आसपास में मिल सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 440 पे इसे पहला रेजिस्टेंस फेस करना होगा, जो कि इसका 7 जुलाई का हाई प्राइस है, और यह लेवल ब्रेकआउट होता है तो दूसरा रेजिस्टेंस फिर इसको 465-466 के ऊपर में फेस करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं IGL के क्वार्टर फोर के नतीजों की और क्वार्टर फोर में कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किए हैं। तो दोस्तों मार्च क्वार्टर 2020 में IGL ने रेवेन्यू जनरेट किया था लगभग 1791 करोड़ का, इसमें से कोई नेट प्रॉफिट हुआ था लगभग 253 करोड़ का, और दिसंबर क्वार्टर 2019 से अगर हम तुलना करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में हल्की फुल्की गिरावट जरूर देखने को मिली है। दिसंबर क्वार्टर 2019 में रेवेन्यू जनरेट किया गया था 1837 करोड़ का लगभग, और इसमें जो लगभग प्रॉफिट हुआ था 283 करोड़ के आसपास का। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया था 7165.49 करोड़ का किया था, और इसमें जो इनको नेट प्रॉफिट हुआ था 1136.54 करोड़ का हुआ था। अब IGL के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास में यहाँ पे 45% की होल्डिंग है और पब्लिक के यहाँ पे 55% की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग को थोड़ा डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 10.49% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास में यहाँ पे 9.17% की होल्डिंग है, FIIs के पास में यहाँ पे 22.29% की होल्डिंग है। जून 2020 के क्वार्टर की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग में कोई खासी चेंज देखने को नहीं मिली है, फिर भी FIIs ने यहाँ पे 0.48% होल्डिंग को घटाया है अपनी, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.49% होल्डिंग को बढ़ाया है अपनी, इंश्योरेंस कंपनियों ने भी यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाया है 0.09% का, अदर्स DIs ने यहाँ पे होल्डिंग को घटाया है 0.11% का, और नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाया है 0.01% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तो रही IGL के क्वार्टर फोर के नतीजे और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के प्राइस हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों चार्ट में आप देख सकते हैं 2004 में स्टॉक लगभग 22-25 रुपए के ऊपर में ट्रेड कर रहा था, और लगभग 10 सालों तक स्टॉक ने 85-86 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मार्च 2014 से स्टॉक में रैली देखने को मिली और 5 सालों के अंदर में ही स्टॉक का प्राइस 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया। कोविड-19 के पैनिक के चलते इसमें तेज गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन जितनी तेजी से इसमें गिरावट देखने को मिली उसी तेजी से इसमें रिकवरी भी देखने की मिली, और अगर आज की बात करें तो स्टॉक लगभग 405-406 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये तो रही IGL के प्राइस हिस्ट्री। अगर आप IGL में इंट्राडे प्ले करते हैं तो इस वीक के जो बचे ट्रेडिंग सेशन है इसमें आपको किस तरीके के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 412 रुपये इसका पहला टारगेट होगा, 420 रुपये इसका दूसरा टारगेट होगा, 438 रुपये इसका तीसरा टारगेट होगा, और अगर हम डाउनसाइड की बात करते हैं तो डाउनसाइड में पहला टारगेट इसका 397 रुपये का होगा, दूसरा टारगेट इसका 391 के आसपास में होगा, और अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर तीसरा टारगेट इसका 380 रुपये के आसपास में होगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रखे हुए आप ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे प्ले कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए, और अगर आप अपनी फेवरेट कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।